हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन जब हम कहीं शादी और पार्टी में जाते हैं तो वो हलवा बहुत ही कमाल की लगती है। तो सेम टू सेम हम हलवा आज बनाएंगे। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे गाजर। तो मैंने 1 किलो ये लाल वाले गाजर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो एक ग्रेटर लेंगे और उसके जो सबसे मोटी वाली जाली होती है उसी से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे गाजर को ग्रेट करके लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। कढ़ाई को गैस पे रखेंगे गरम होने के लिए और उसमें डालेंगे घी। तो यहाँ मैंने कुल 4 टेबल स्पून घी लिया है। घी को अच्छे से गरम होने देंगे। जैसे ही घी गरम हो जाए तो इसमें हम ये ग्रेट किए हुए गाजर को डाल देंगे और इसे हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो चलिए इसे हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कुकर में भी हलवा बनाते हैं दूध में उबाल के। वो हलवा तो झटपट बन जाती है पर खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस तरीके से एक बार हलवा बना के देखिएगा। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। फ्रेंड्स, इसे हम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, हलवा जितनी धीमे आंच पे बनती है ना उतनी ही बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए इसे अब हम थोड़ी देर और भूनेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कम होती जा रही है और ये सॉफ्ट भी होती जा रही है। तो चलिए यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। ये देखिए, ये लगभग 250 ml है। और साथ ही हम लेंगे यहाँ पे मलाई। तो ये मैंने फ्रेश मलाई लिया है। 1 से 2 चम्मच हम इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। अगर मलाई ना हो तो आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए ढक्कन उठा के इसे एक बार चला लेते हैं। इस तरीके से ढकने कर इसे पकाने से फ्रेंड्स ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये गाजर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इन्हें हम थोड़ी देर और ढक के छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट मैंने इसे और ढक के छोड़ दिया था तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहीं पे हम लेंगे 1/3 कप मावा, साथ ही लेंगे 1/3 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो चीनी आप 1.5 कप ले लें। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मावा से ना बहुत बढ़िया लगती है ये हलवा, तो ज़रूर से डालें। अब कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है थोड़े से काजू, बादाम जिन्हें बारीक कट कर लिया है, साथ ही लेंगे थोड़े से किशमिश। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हम दूध और गाजर के साथ पकाएंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट है थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हलवाई लोग सेम इसी तरीके से ये गाजर का हलवा बनाते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने डाला है 1 चम्मच भर के छोटी इलायची का पाउडर, साथ ही लेंगे इसमें हम 1 चम्मच देसी घी। घी से ना फ्रेंड्स इस हलवे में बहुत बढ़िया अच्छी सी टेक्सचर आएगी। तो आप देख सकते हैं हलवा लगभग ड्राई होने वाला ही है। थोड़े देर इसे हम और चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं किनारे से ये घी दिख रहे हैं, हलवे में से घी रिलीज होना शुरू हो चुका है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक और इसी तरह से भुनेंगे जिससे कि हलवे में एक अच्छी सी सौंधेपन सी खुशबू आती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो पार्टी शादी में जो बनते हैं ना हलवा, सेम उसी तरीके से ये हलवा की रेसिपी है। आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स,
चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ,